मैं आरके सर, आप तमाम का आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आज सातवां सीट लेकर आया हूं और ये सीट जो है 8 मार्च 2018 में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना वक्त गमाए सीटों के दौड़ में चलते हैं। आइए सवाल नंबर एक, विद्युत प्रवाह और एम्पियर में जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार से ये चार ऑप्शन में हूबहू संबंध वाले हैं। तो विद्युत प्रवाह को एम्पियर से जिस प्रकार के संबंध है, तो वायु को किलोग्राम का उस प्रकार से संबंध नहीं है, दबाव दाब को भी गति से नहीं है, तापमान को भी मीटर से नहीं है। तो जिस प्रकार विद्युत प्रवाह को एम्पियर से नापा जाता है उसी प्रकार से कार्य को किससे नापा जाता है, जूल से नापा जाता है। अब यहां देखें 14 से 16 हो जा रहा है तो +2 हो जा रहा है, उसी प्रकार इन दोनों को भी करना है तो 2 बढ़ा देना है, तो 22 कितना होता है 24। 24 नंबर ऑप्शन 3 में है। अब देखें इन दोनों को जो संबंध है वही संबंध इन दोनों को भी होगा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, तो 1 बढ़ रहा है तो इसमें भी 1 बढ़ा देंगे तो 13 1 14। 14 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, एन। एन देखिए 1 नंबर में नहीं है, 3 नंबर में नहीं है, 2 और 4 में चल रहा है। अब देखें R का वैल्यू 18, R का वैल्यू 18, S का वैल्यू 19, 18 से 19 हो जा रहा है तो 1 बढ़ रहा है, उसी प्रकार से R का वैल्यू 18 में 1 डालेंगे तो 19, 19 नंबर पर क्या होता है S। अब देखिए 2 और 4 नंबर में कहाँ है S, 4 नंबर में नहीं है तो ऑप्शन गलत, कौन सा ऑप्शन बन जा रहा है आपको, 2 बन जा रहा है। अब देखें अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है विषम चुने, कार साइकिल टायर और ट्रक ये सभी गाड़ी लगभग है, ये टायर है विजातीय कौन सा बन जा रहा है टायर। अब देखें 10 का 121 का संबंध होना चाहिए, 12 का 169 का, 14 का 225 का, 16 का 279 का, 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन अलग है, विजातीय है, अलग गुण वाले हैं, उन अलग गुण वाले को देखें तो हम 10 में 1 डालते हैं तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, फिर 12 में 1 डालते हैं तो 13 होता है, 13 का वर्ग होता है 169, 14 में 1 डाले तो 15 होता है, 15 का वर्ग 225, यहाँ देखिए 16 में 1 डालते हैं तो 17 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है लेकिन है 269, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है विजातीय में, 4 नंबर हो जा रहा है। अब कहा जा रहा है शब्दकोश के अनुसार सजावे, ये 5 शब्द दिए गए हैं, आप देखिए सर्वप्रथम बराबर को छाट लें, जे है जे है जे है, यहाँ जे है यहाँ, थोड़ा सा ये लिखने में मिस हो गया है, ऊपर में 4 नंबर है। अब देखें ओ का वैल्यू 15, यू 21, आई नौ, यू 21, देखिए 15, 21, 9, 9 और 21, तो दोनों 3 और 4 नंबर छोटा अंक है, जितने भी अंक है सब में छोटा 9 है। अब देखिए इन दोनों 3 नंबर और 4 नंबर में भी छोटा में छोटा कौन है, ये दोनों तो 5 में छोटा है लेकिन दोनों क्या हो गए हैं, ड्रॉ हो गए हैं, तब क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, इनमें एन है इनमें भी एन है, इसमें जी है इसमें भी जी है, इसमें एल है इसमें भी एल है, यहां देखें आई का वैल्यू 9 और ई का वैल्यू 5, यानी छोटा यहाँ 9 हो छोटा है या 5, तो 5 छोटा है, 5 क्या नंबर में है 4 नंबर में, तो सर 5 शब्द में सबसे छोटा 4 नंबर, तो 4 नंबर आगे में 4 होना चाहिए, नहीं है यहाँ पर भी आगे में 4 नहीं है, यहाँ पर भी 4 नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, कम वक्त में ज्यादा सवाल की ओर जाना है, इसलिए वह ऑप्शन एक ही यदि लेटर से बन जाता है तो ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए 11 से 13 2 बढ़ रहा है, 13 से 16 3 बढ़ रहा है, 16 से 18 2 बढ़ रहा है, 18 से 21 3, सीरीज देखे कैसे है +2 +3 +2 +3, तो आगे क्या हो जाएगा +2 21 2 23 23 23 क्या नंबर पर है 4 नंबर पर है। अब यहाँ देखें इस खाली जगह में क्या होंगे, अब देखिए I 9 J 10 कि 11 L 12, तब क्या होगा 13 13 नंबर पर क्या होता है M देखिए 1 नंबर में नहीं है और 4 नंबर में नहीं है, M अगला लीटर 2 नंबर और 3 नंबर में है। अब देखें M का वैल्यू होता है 13 O 15 2 बढ़ रहा है, Q का वैल्यू 17 15 17 2 बढ़ रहा है,
फिर 19, एस का वैल्यू 19, फिर दो बढ़ रहा है, तो सब में देखिए पिछला लीटर दो दो बढ़ रहा है, इसमें भी दो बढ़ाएंगे तो 19 दो 21, 21 नंबर पर क्या होता है यू, एम यू क्या नंबर में है, दो नंबर में है। अब देखें ये रैंकिंग से दिया गया है, कहा जा रहा है कि लड़कों के एक पंक्ति में पुनीत का बाएं छोर से, यानी लड़का है बाएं छोर से, अपना बाया है बाएं छोर से लगाकर पुनीत कितना है 33वां है, और इसी वर्ग में दाएं छोर से, तो दाया भाग इधर है, दाएं छोर से अंकित, अंकित 25वां है, दाएं छोर से अंकित कितना है 25वां, यानी कहने का अर्थ पुनीत बाएं छोर से 33वां लगा के है, फिर अंकित भी दाएं छोर से 25वां लगाकर है, अब दोनों स्थान आपस में अदल बदल कर लेता है, अब पुनीत यहां चला गया, पुनीत यहां था अब यहां चल गया, और अंकित यहां था, यहां से चलकर यहां आ गया अंकित। अब क्या हो जाता है, पुनीत पहले 33 स्थान पर था, अब चल जाता है 45वां स्थान पर। तो कहा जा रहा है कि कुल ज्ञात करने के लिए देखिए यहां पर जो पुनीत को देख रहे हैं नीचे में, बाएं छोर से 45वां है और दाएं छोर से 25वां, बाएं छोर से लगाकर 45 और दाएं छोर से लगाकर 25, तो एक ये पंक्ति कितने बार कोट हो जा रहा है, दो बार करना है, एक बार तो 45 25 कितना होता है 70 में एक घटा देंगे तो कितना होगा 69 69, यानी टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएंगी 69 हो जाएंगी। अब देखिए कौन सा शब्द मूल सबसे नहीं बनाया जा सकता, हम जानते हैं, अब देखिए हार्ट का एच है, ई है, ए है, आर है, टी है, हार्ट के प्रत्येक लेटर है तो ये बनाया जाएगा। डी टेन का देखिए डी है, डी है, ई भी है, टी है, ए है, आई इसमें है परंतु मूल शब्द में आई नहीं है इसलिए नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर दो। अब कहा जा रहा है कि बुक इज टच को कहा गया है फ्यू ला मी टच कैन इजी को फू मूस पो इजी नॉट बुक को टी पो ला कहा गया है, तो टच को क्या कहेंगे कोड भाषा में, आइए बंधु हम देखते हैं। टच पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में टच है तो घेरा कर दिया, और पहली दूसरी में क्या है एफ यू है, यानी टच का मांग रहा है, टच का मांग रहा था, टच का घेरा वाला है पहली और दूसरी पंक्ति में, तो पहली और दूसरी पंक्ति में एफ यू है, तो टच का कोड क्या हो जाएगा एफ यू, ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। अब कहा जा रहा है इन दो 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 चिन्ह दिए गए हैं, इन दोनों चिन्ह को मूल सवाल में, मूल सवाल में यानी जोड़ के घटों पर, जोड़ के घटों पर प्लस, प्लस के जगह पर घटो, मूल सवाल में जहां प्लस भाग होगा वहां गुना करेंगे, जहां गुना होगा प्लस करेंगे, इन चार ऑप्शन को मैं किन ऑप्शन को रखने से 12 के वैल्यू के बराबर पुर जाता है, हम ऑप्शन नंबर कितने लेते हैं चार लेते हैं, तो भागा जहां भागा है वहां हम क्या रखेंगे जोड़, यहां भागा है तो भागा को हम कौन सी बदल देते हैं जोड़ में, फिर देखें जहां जोड़ है वहां हम क्या देंगे भाग, तो जोड़ को हम क्या देंगे हम कर देंगे भाग, कर दिए बड़े में कर दिए। अब देखिए तुरंत काटिए, भाग में है तो 0 0 कट गया, 2 से 7 कट गया तो 7 या 21 1 22, 22 में से 10 गया तो 12, ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है 4 नंबर टिक कर दें। अब देखें ये सीरीज से है, इसमें देखें बड़े और छोटे लेटर मिलाकर आपको 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6, यानी छोटा लेटर जो है आगे बढ़ता है, छोटा लेटर बड़ा हो जाता है अगले सीरीज में, यहाँ बड़ा हो गया है और फिर अगला लेटर छोटा बन जाता है, यानी छोटा लेटर बड़ा और फिर अगला लेटर छोटा, यहाँ पर देखें फिर यहाँ पर देखें छोटा लेटर है, ये छोटा लेटर यहाँ देखें बड़ा हो गया, फिर अगला लेटर जो है छोटा बन गया, फिर देखें इसी तरह से हम बढ़ाएंगे तो 3x आए बड़ा अक्ष, 3x दिए ये छोटा को हम बड़ा बनाएंगे, बड़ा बना दिया अगला लेटर हमें छोटा बन जाएगा और उससे पिछला वाला ज्यों का त्यों रहेगा, ऐसी सीरीज देखें चार ऑप्शन में कौन सा बन पा रहा है, ऑप्शन नंबर दो हो जा रहा है। इन क्वेश्चन को देखें 8 और 2 को क्या करने से 3 के बराबर होगा, 14 और 18 को क्या करने से 2 होगा, 18 और 2 को 8 पुराना है और 14 और 10 से क्या पूरेगा, ये चार ऑप्शन में कौन सा होगा, तो देखिए
आठ और दो में माइनस दो किए तो आठ में से दो गया छह, छह का आधा होता है तीन, फिर इन दोनों घटाइए तो अठारह में से चौदह गया तो चार, चार का आधा क्या होता है दो, फिर देखें इन दोनों को घटावे तो अठारह में से दो गया तो सोलह, और सोलह का आधा होता है आठ, उसी तरह से चौदह में से दस गया तो चार, चार का आधा होता है दो, दो ऑप्शन नंबर तीन में है। माइनस प्लस से कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए एक ऑटो रिक्शा साढ़े छह किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, यहां ऑटो रिक्शा है प्रारंभिक है, उत्तर दिशा में 6.5 के किलोमीटर गया, फिर बाई और इस पर चलते तो अपना बाया हाथ इधर होता है डेढ़ किलोमीटर गया, फिर दक्षिण की तरफ अढ़ाई किलोमीटर गया, दक्षिण की तरफ कितना गया 2.5, फिर बाया नीचे की तरफ है तो बाया इधर होगा, फिर डेढ़ किलोमीटर जाता है यहां चल गया। अब देखिए ऊपर डेढ़ तो नीचा भी डेढ़, ये अढ़ा है तो ये कितना होगा अढ़ा है, यानी ये भुजा जो है साढ़े छह का है, छह में अढ़ा चल गया ऊपर चला गया तो कितना बचा नीचे में, यहां से नीचे चार किलोमीटर प्रारंभिक स्थान से चार किलोमीटर, और प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है ऊपर दिशा में है तो उत्तर साढ़े चार किलोमीटर, चार किलोमीटर उत्तर और चार किलोमीटर ऑप्शन नंबर तीन। अब कहा जा रहा है वह कौन सी ये आयत जो है चिकित्सक के है डायग्राम है, त्रिभुज मूर्तिकार के डायग्राम है, वृत्त पुष्प डिजाइनर के डायग्राम है, और ये वर्ग जो है अमेरिकों का है। अब कहा जा रहा है कि वह कौन सी अमेरिकी जो पुष्प डिजाइनर, पुष्प डिजाइनर तो अमेरिकी के देखिए वर्ग है, वर्ग और पुष्प डिजाइनर क्या है वृत्त, तो वर्ग और वृत्त को कौन कौन टच कर रहा है, तो वर्ग ये है और वृत्त ये है। देखिए वर्ग और वृत्त दोनों को कौन सा टच कर रहा है, तो देखिए एगो डी कर रहा है, एगो कौन सा कर जा रहा है एच, डी और एच जो है वर्ग के भी अंदर है और एच के भी अंदर, आच भी अंदर है। अब कहा जा रहा है अमेरिकी पुष्प डिजाइनर या मूर्तिकार, अमेरिकी के साथ क्या होना चाहिए मूर्तिकार, तो वर्ग के साथ कौन का किनका होना चाहिए त्रिभुज, तो वर्ग के साथ त्रिभुज कौन कौन होता है एफ और जी, वर्ग और मूर्ति के साथ एफ जी, और अमेरिकी और पुष्प डिजाइनर के साथ क्या होता है डी और एच, यानी चार लेटर होता है तो एफ जी डी एच क्या नंबर में है ऑप्शन नंबर एक में है। अब कहा जा रहा है ये सीरीज है एल बारह एम तेरह एन चौदह ओ पंद्रह, तक बारह तेरह चौदह पंद्रह, तो आगे क्या होगा सोलह, सोलह नंबर पर पी, एक नंबर में पी नहीं है, दो में नहीं है, तीन और चार में है। अब देखिए ओ पंद्रह पी सोलह क्यू सत्रह आर अठारह, तो उन्नीस होगा, उन्नीस नंबर पर एस, एस तीन नंबर और चार नंबर में, चार नंबर में नहीं है तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तीन होगा। फिर देखे द ये इजी है, दस से बारह चौदह सोलह, तो आगे क्या हो जाएगा अठारह ऑप्शन नंबर दो। अब कहा जा रहा है विषम चुनने के लिए, देखिए लगातार काउंटिंग चल रहा है दो तीन चार लगातार ये चल रहा है, फिर चार पांच छह लगातार चल रहा है, छ सात आठ लगातार चल रहा है काउंटिंग, लेकिन यहाँ चार से छ दो बढ़ रहा है, चार के बाद पांच होना चाहिए लेकिन छ है, इसलिए विजातीय कौन सा हो जा रहा है चार नंबर हो जा रहा है। अब ये देखिए वाटर मिरर है, जब वाटर मिरर है तो ये कोना वाला भाग जो है नीचे में आ जाएगा, और आधे से ऊपर वाला रंगल है तो नीचे से रंगल चल जाएगा, फिर ये वाला भाग जो है ऊपर वाला भाग में चल जाएगा, और बाएं बगल भाग जो ही उल्टेगा तो ऐसा होगा। देखिए नीला रंग वाला ऐसी दो आकृति किन में, एक में नहीं है, दो में भी नहीं है, तीन में नहीं है, हूबहू यहाँ पर है, ये चार भी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है चार हो जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि कौन सा चार घन जो है अति पासा, कौन सा पासा इनसे बनाया नहीं जा सकता है, जैसे हैस का विपरीत क्या होता है, तो जहां हैस होगा उसका विपरीत क्या होगा ये वर्ग होगा, फिर देखिए ये स्टार का क्या होगा, जहां स्टार होगा स्टार का विपरीत क्या है एक्स है, फिर देखें वृत्त का विपरीत क्या है
वृत्त का विपरीत क्या है, पांच स्टार वाले। अब देखिए ये दोनों एक साथ है तो नहीं बनाया जाएगा, इस चार में देखना, यदि विपरीत सत्ता एक साथ हो तो नहीं बनाया जा सकता है, यदि विपरीत सत्ता एक साथ है नहीं दिख पड़े तो बनाया जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि चार में कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो दोनों एक साथ दिखे, चाहे ये दोनों एक साथ दिखेगा तो नहीं बनेगा, या ये दोनों दिखेगा विपरीत सत्ता एक साथ नहीं बनेगा, या ये दोनों दिखेगा तो नहीं बनेगा। तो ये पांच का विपरीत क्या होता है, जीरो नहीं है। फिर देखे स्टार है, स्टार तो नहीं है, एक्स है, एक्स का विपरीत स्टार नहीं है, यानी ये बनाया जाएगा। यहां देखें एक्स है, एक्स का स्टार नहीं है, फिर देखें ये वर्ग है, वर्ग का हैश नहीं है, फाइव का जीरो नहीं है, ये भी बनाया जाएगा। यानी तीनों अलग अलग है, विपरीत एक साथ दोनों विपरीत सत्ता के अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग है, ये भी बनाया जाएगा, ये भी बनाया जाएगा। अब इनको चेक करें, जीरो का पांच वाला नहीं है, फिर देखें ये आकृति का हैश नहीं है, ये भी बनाया जाएगा। अब यहां देखें स्टार है, स्टार का एक्स, ये देखिए दोनों विपरीत सत्ता, यहां देखें स्टार का विपरीत सत्ता एक्स होता है, स्टार का विपरीत सत्ता एक साथ नहीं दिख सकते, लेकिन यहां दिख रहा है, इसलिए ये घन आपको बनाया नहीं जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, चार होगा। इन्हीं चंद सवालों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहें।